सो हे लेजेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को कीबोर्ड और माउस के साथ कैसे खेल सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए मुझे कहा था अपने एक सब्सक्राइबर ने अपने कार्तिक भाई ने कहा इसको। एंड अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है एंड आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो बस बेझिझक कमेंट कर दो। तो इस चीज को करने के लिए आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है और ये सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि इसकी रेट डिफर करती है। तो अगर मिनिमम से बात करें तो आपके कम से कम 250 रुपये तो लग ही जाएंगे एंड मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। अगर आपके पास माउस एंड कीबोर्ड भी नहीं है तो उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए होगी टोटल 6 चीजें। तो नंबर 1 और 2 पे तो आता है आपका माउस एंड कीबोर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 3 पे आता है फोन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो। एंड नंबर 4 पे आता है एक फोन स्टैंड, वो काफी ज्यादा जरूरी है। एंड नंबर 5 पे आता है एक OTG। एंड नंबर 6 पे आता है एक USB हब। तो ये दोनों चीज आपके लिए काफी ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए अपन इन चीजों को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं एक OTG केबल को। तो ये है एक OTG केबल एंड ये एक सी टाइप केबल है। आपको अपने फोन के हिसाब से लेना होगा कि वो सी टाइप है या फिर माइक्रो USB, दोनों टाइप्स के वो आ सकते हैं। एंड इन सबके अंदर अलग अलग आती है, एक आती है लोकल जिसके अंदर कोई भी ब्रांड नहीं लिखी होगी एंड एक आएगी ये ओरिजिनल जैसी। तो लोकल मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मेरी भी वो सिर्फ 2 दिन के अंदर टूट गई थी। तो अभी अपन चलते अपने नेक्स्ट आइटम की ओर। तो नेक्स्ट आइटम आता है एक USB हब एंड ये भी आता है बहुत सारे टाइप्स का। इसके अंदर आप लोग 2 वाला भी ले सकते हो बट मैंने लिया है 4 वाला। तो इसके अंदर 4 सॉकेट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 ऊपर है एंड एक बैक साइड में। एंड ये भी एक लोकल भी आ सकते हैं एंड ब्रांडेड भी आ सकते हैं। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रांडेड ही लेना क्योंकि मैंने लोकल वाला भी लिया था, वो भी खराब हो गया। तो ये OTG केबल आपको पड़ सकती है 50 रुपये से लेकर के 150 या 200 रुपये तक की। 50 रुपये वाली आती है लोकल जो कि जल्दी से खराब हो जाएगी। एंड ये आएगा क्वांटम का USB अब जो कि आएगा 200 रुपये का। एंड इसके अंदर लोकल वाला भी आता है 150 या 100 रुपये का, वो कुछ सही चलता नहीं है। एंड लास्ट चीज अपन को चाहिए माउस एंड कीबोर्ड। अभी इन सबको कनेक्ट करने से पहले अपन को एक फोन के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना अपने फोन की सेटिंग्स के अंदर एंड आपको सबसे नीचे मिल जाएगा एक अबाउट फोन का ऑप्शन। तो आपको इसके अंदर चले जाना है एंड यहाँ पर अपन को मिलेगा वर्जन जो कि होगा बेस बैंड एंड कर्नल। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर एंड आपको इसे 7 टाइम्स टैप कर देना है। तो ये करने के बाद आप लोग बन जाओगे एक डेवलपर एंड यहाँ पे से काफी सारे लोगों को पता ही होगा। फिर अपन को चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर अपन को ढूंढ लेना है डेवलपर ऑप्शंस का एक नया ऑप्शन जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये बीच में। तो इसे अपन को क्लिक कर देना है एंड अपन को नीचे स्क्रोल करते जाना है। तो आपको इसे ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप नहीं कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ क्योंकि अपन को थोड़ा बराबर ही नीचे चलना पड़ेगा। तो अपन को नीचे जाते हैं ढूंढना एक ड्रॉइंग का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो अपन आ चुके हैं। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट वाइड विद सॉरी। तो यहाँ पर आपका 360 या फिर कुछ और सेट होगा तो यहाँ पर अपन को कर देना है 800। एंड हाँ भाई, ये बात याद रखना कि ये सिर्फ गेम खेलते टाइम करना है क्योंकि आपकी स्क्रीन एकदम स्ट्रेच्ड हो जाएगी। एंड गाइस, इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा, तो गाइस आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो काफी ज्यादा लार्ज होगा एंड वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो इससे वो छोटा हो जाएगा एंड काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा खेलने में। तो अपने फोन के अंदर की सेटिंग्स हो चुके हैं एंड काफी सारे यूट्यूबर ने आपको बोला होगा कि माइनक्राफ्ट का टूल बॉक्स डाउनलोड करो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे करना है। तो इस अभी मैं अपना सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले अपन को अच्छी होगी अपनी OTG केबल एंड ये जो USB हब की केबल है आपको इसके पीछे ऐसे कनेक्ट कर देना। तो मैं इसको 1 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आपको इसे कुछ ऐसे कनेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अपन को दूसरे काम भी करने हैं। तो अभी अपन इसे रख देते हैं साइड के अंदर एंड अपन के पास एक कीबोर्ड की वायर एंड इस वायर को अपन को कनेक्ट कर लेना है अपने USB हब के अंदर। तो इसे भी मैं कर लेता हूँ। तो माउस और कीबोर्ड की दोनों की वायर मैंने USB हब के अंदर कनेक्ट कर दिए एंड अपनी OTG केबल से कनेक्ट हो चुकी है, बस अब एक स्टेप ही बस। तो अभी मैंने अपनी OTG केबल को अपने फोन के अंदर लगा दिया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं अभी मेरा कुछ माउस और कीबोर्ड कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी अपन को चले जाना अपने नोटिफिकेशन बार के अंदर एंड यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऑप्शन जो कि है OTG का। एंड हो सकता है कि आपके नोटिफिकेशन बार के अंदर वो नहीं हो तो फिर आप सेटिंग के अंदर जाके सर्च कर लेना, तो लेकिन मेरे तो है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माउस का कर्सर आ चुका है, माउस पॉइंटर आ चुका है यहाँ पर एंड ये पूरा वर्क भी कर रहा है। तो अपन माइनक्राफ्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि माइनक्राफ्ट के अंदर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अपना माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है एंड अपन देखते हैं वर्ल्ड के अंदर जाकर के। सो गाइस, अपन लोग वर्ल्ड के अंदर आ चुका है एंड मेरा कीबोर्ड एंड माउस दोनों एकदम ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका राइट क्लिक 70% लोगों का राइट क्लिक तो वर्क ही नहीं करेगा। मतलब कि आप लोग अटैक तो कर पाओगे लेकिन ब्लॉक्स को प्लेस नहीं कर पाओगे एंड ये प्रॉब्लम सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे को भी कुछ 1 या 2 महीने लग गए इसका सॉल्यूशन निकालने में। अभी मेरा राइट क्लिक वर्क कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं राइट क्लिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स हो जाते तो फिर मैं बना दूंगा, या फिर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं बना दूंगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि गाइस, अगर आपके फोन के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम है तो फिर वो काफी ज्यादा हीट हो सकते हैं। आप लोगों ने मेरे 2-3 वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर मेरा गेम क्रैश हो जाता था, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका कीबोर्ड और माउस काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। तो मैं कहूंगा कि 10 या 15 मिनट खेलकर आपको ब्रेक लेना चाहिए 5 मिनट का, उससे ऐसा नहीं होगा। एंड बाकी आप लोग इन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो।